राजधानी भोपाल में सीएम कमलनाथ ने मसाजिद कमेटी के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और मंत्री आरिफ अकील समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम कमलनाथ ने संस्था के समाज सेवा की सभी को बधाई दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो लोग कज़ियात में आते थे, जो हमारे कादी साहबान और कज़ियात के जिम्मेदार थे, उनको अलग अलग चैम्बर मिले। उस चैम्बर में वो बैठ के अपना काम करेंगे। तकरीबन 350 बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दी है, जिसमें किसी को 10,000, 5,000 और 3,000 रुपये दिए हैं। एक जैसे कि आप जानते हैं, खादिम सरकारी मुलाजिम जाते हैं, तो जब ये मसाइद कमेटी में हमारे लोग सर्विस करते हैं, इन लोगों को भी उसमें मौका देना चाहिए। जो बात एक चिंता की बात है, अगर ये संस्कृति हमारे देश में बनी रही, अगर ये भाईचारे का वातावरण बना रहा, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, पूरा श्रेय इनको जाता है, जो बुजुर्ग बैठे हैं। पर चिंता का विषय ये है, क्या नई पीढ़ी जो है, आज के नौजवान हैं, क्या आप बुजुर्गों ने, आप जिनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए, आपने जो समाज के मूल्य बना के रखे देश के प्रति, क्या ये नई पीढ़ी इसे अपना रही है? ये जरा चिंता का विषय। आज के नौजवान, आप भी जानते हैं इनकी दुनिया कुछ और है, आपकी दुनिया कुछ और थी। आज के नौजवानों जिनकी दुनिया कुछ और है, इनकी सोच भी कुछ और है, और ये कभी उत्तेजना के उत्तेजित हो जाते हैं। ये आप सबका दायित्व है।